जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम। भौतिक और सांसारिक जीवन में समस्त सुख पाने के लिए संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु का आशीर्वाद होना अत्यंत आवश्यक है, और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी बताया गया है। प्रत्येक एकादशी को अति पुण्यकारी माना गया है। इन्हीं में से एक है विजया एकादशी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में विजया एकादशी का महत्व बताया गया है। शाब्दिक अर्थ में विजया शब्द जीत का प्रतीक है। विजया एकादशी का व्रत प्रति को जीवन की कठिन परिस्थितियों में सफलता और विजय प्रदान करता है। यह सभी प्रकार की बाधाओं और कठिन परिस्थितियों से राहत प्रदान करने में मदद करता है। यदि लोग इस दिन दान और पुण्य करते हैं तो वे अपने पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म तक के पापों से छुटकारा पाते हैं और फलदायी परिणाम भी अर्जित करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान शिव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत रखता है उसे पितृ दोष और कुयोनी से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को परम प्रिय है। इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन पुष्प जल रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थों से करना चाहिए। व्रती को विजया एकादशी की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। अगर व्रत ना भी करें तब भी कथा तो सुननी ही चाहिए। तो चलिए सुनते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। जय श्री हरि, जय श्री राम। बोलिए एकादशी माता की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एकादशियों का महात्म्य सुनने में अर्जुन को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी की कथा का श्रवण रस पाने के बाद अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? कृपा करके मुझे इसके संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजयश्री मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से सभी पापों का अंत हो जाता है। विजया एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए श्री भगवान ने अर्जुन से कहा कि एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें हरि भक्त जानकर तुम्हें बताता हूँ। यह उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करो। श्रीराम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तब वह भ्राता लक्ष्मण और माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और माता सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृतांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम और भ्राता लक्ष्मण जी की सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई और वहां भगवान श्री राम ने बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृतांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर
लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे हुए इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे? प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राता श्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्तव्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं, वे ही आपकी विजय का उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री राम जी वक्तव्य ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। अपने आश्रम में प्रभु श्री राम को आया देखकर महर्षि वक्तव्य ने पूछा, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा कर अपना प्रयोजन कहें प्रभु। मुनि के मधुर वचनों को सुनकर भगवान श्री राम जी ने कहा, हे ऋषिव, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वक्तव्य ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने से आपको विजयश्री अवश्य ही प्राप्त होगी। यह कैसा व्रत है मुनिश्रेष्ठ? जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है, जिज्ञासु होकर श्री राम ने पूछा। इस पर महर्षि वक्तव्य ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण चांदी तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंचपल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतंजा अर्थात मिले हुए सात अनाज और ऊपर जौ रखें। उसके ऊपर भगवान विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान श्रीहरि का पूजन करें। वह सारा दिन भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजयश्री आपका वरण करेगी। मुनि के वचन सुनकर तब श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है या पढ़ता है उसे वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कथा सार। भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। श्रीराम हालांकि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला इस उपवास को करके अनंत फल का भागी बन सकता है। जय श्री हरि, जय श्री राम, बोलिए एकादशी माता की जय हो, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।